गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी वर रीडिंग लेसन 13, दैट इज द पैडलिंग पुल। हम लेसन 13 पढ़ रहे थे जिसका नाम है द पैडलिंग पुल। वी हैड कम्प्लीटेड द रीडिंग ऑफ दिस पोयम। हम इस पोयम की रीडिंग कम्प्लीट कर चुके हैं एंड टूडे वी विल डू एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस लेसन। और आज हम इस लेसन का एक्सरसाइज पार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ अ लिटिल मोर ऑफ द पोयम वाले जो क्वेश्चन से, इनसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू द चिल्ड्रन पास बाय व्हाइल ऑन देयर वे टू स्कूल। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके स्कूल के रास्ते में उन्हें किस चीज़ से गुजरना होता है, किस चीज़ के पास से गुजरना होता है। आंसर इज, चिल्ड्रन पास बाय पैडलिंग पुल व्हाइल ऑन देयर वे टू स्कूल। चिल्ड्रन को स्कूल जाते वक्त उनके रास्ते में पैडलिंग पुल से गुजरना होता है। पैडलिंग पुल मैंने बताया था एक छोटा सा तालाब जिसमें बच्चे नाव चलाते हैं। ओके, सेकेंड, गिव वन वर्ड फ्रॉम द पोयम टू डिस्क्राइब ग्रास एंड वाटर। पोयम में से वन वर्ड आपको ढूंढना है जो कि ग्रास और वाटर को डिस्क्राइब करे। तो ग्रास के लिए क्या है, ग्रीन। पोयम में आया था ग्रास इज ग्रीन, इसलिए ग्रीन से हमें पता चलता है कि ग्रास ग्रीन है। एंड वाटर के लिए आया था कूल, पानी ठंडा है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू द चिल्ड्रन स्टे बाय पैडलिंग पुल। व्हाई मीन्स क्यों, स्टे रुकना। तो बच्चे पैडलिंग पुल पर क्यों रुक जाते हैं। आंसर इज, द चिल्ड्रन स्टे बाय पैडलिंग पुल टू प्ले। बच्चे पैडलिंग पुल पर खेलने के लिए रुक जाते हैं। आंसर द से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन में से ही है पूरा। द चिल्ड्रन स्टे बाय पैडलिंग पुल टू प्ले, खेलने के लिए रुकते हैं। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू ग्रामर पोर्शन ऑफ दिस लेसन। अब हम इस लेसन का ग्रामर पोर्शन करेंगे एंड इन ग्रामर पोर्शन वी विल स्टडी अबाउट कंजक्शंस। ग्रामर पोर्शन में हम कंजक्शंस के बारे में पढ़ेंगे एंड बट। कंजक्शंस क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि एंड बट। ओके, रीड दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़िए। द एयर इज फ्रेश, एयर फ्रेश है, हवा फ्रेश है। द एयर इज क्लीन, हवा साफ है। नाउ लेट अस पुट बोथ द सेंटेंसेस टुगेदर। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ लिखेंगे। द एयर इज फ्रेश एंड क्लीन, हवा फ्रेश और क्लीन है। वी यूज एंड टू जॉइन टू सेंटेंसेस। हमने इन दोनों सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए, जोड़ने के लिए एंड का यूज किया है। तो एंड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया है। नाउ यूज एंड टू जॉइन दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस के पेयर्स दिए हुए हैं, उन सेंटेंसेस को आपको एंड का यूज करके जॉइन करना है। फर्स्ट वन इज, द काइट्स आर लाइट। काइट्स मीन्स पतंग, हल्की है। द काइट्स आर ब्राइट और चमकीली है। तो दोनों ही सेंटेंस में काइट की बात हो रही है, तो दोनों में हम एंड का यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम किस तरह से लिखेंगे, दोनों के ही अंदर द काइट्स आर, ऐसा दोनों में सेम आ रहा है तो हम वहाँ पे यही लिख देंगे, द काइट्स आर। ऊपर वाले सेंटेंस में है लाइट, तो लाइट लिखा एंड का यूज करके, फिर ब्राइट लिख देंगे। ओके, जो चीज़ दोनों सेंटेंस में कॉमन आ रही है, दोनों के अंदर है, वह हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर लास्ट के दोनों वर्ड को एंड का यूज करके लिख देंगे। नेक्स्ट, मदर हैन इज बिग, मदर हैन इज फ्लफी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मदर हैन इज, क्योंकि ये दोनों के अंदर आ रहा है, मदर हैन इज दोनों में आ रहा है ना, तो इसे सबसे पहले लिखेंगे, फिर बिग एंड यूज किया फ्लफी। थर्ड, हीज डॉग इज स्मॉल।
हीज डॉग इज वाइट, उसका डॉग स्मॉल है, छोटा है, और उसका डॉग वाइट है। तो दोनों ही सेंटेंस में डॉग के बारे में बात हो रही है, तो हीज डॉग इज कॉमन है इसलिए सबसे पहले एंड देन स्मॉल को लिखना है, फिर एंड का यूज करके वाइट को लिख देना है। फोर्थ, द स्ट्रीट्स आर क्राउडेड, द स्ट्रीट्स आर डर्टी, स्ट्रीट मीन्स गलियाँ, क्राउडेड भीड़ भाड़ वाली जगह, डर्टी गंदी। तो द स्ट्रीट्स आर क्राउडेड एंड डर्टी। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस, अब इन सेंटेंसेस को पढ़िए। द पपी इज स्केयर्ड, पपी डरा हुआ है, पपी मीन्स कुत्ते का बच्चा डरा हुआ है। द गर्ल पिक्स इट जेंटली, लड़की इसे आराम से प्यार से उठाती है। नाउ लेट अस पुट बोथ द सेंटेंसेस टुगेदर, अब इन दोनों सेंटेंसेस को साथ में रखते हैं, साथ में लिखते हैं। द पपी इज स्केयर्ड, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। बट द गर्ल पिक्स इट अप जेंटली, लेकिन लड़की उसे प्यार से उठाती है। ठीक है, ये सेकेंड सेंटेंस हो गया। तो दोनों सेंटेंस के बीच में किसका यूज़ किया हमने यहाँ पर, बट। हियर वी यूज बट टू जॉइन द टू सेंटेंसेस, यहाँ पर हमने दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बट का यूज किया है। एंड बट आर जॉइनिंग वर्ड्स, एंड और बट दोनों क्या हैं, जॉइनिंग वर्ड्स हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शंस, और इन वर्ड्स को कंजक्शंस कहा जाता है क्योंकि ये दोनों वर्ड्स दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने में, ज्वाइन करने में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज एंड और बट टू जॉइन दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए एंड या फिर बट का यूज कीजिए। आपको यह देखना होगा कि यहाँ पर किस चीज का यूज होगा, एंड का या फिर बट का। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है किस तरह से यूज करना है। राजा कैन स्विम, राजा तैर सकता है। राजा कांट साइकिल, राजा साइकिल नहीं चला सकता है। ओके, अब यहाँ पर राजा एक चीज को कर सकता है, दूसरे को नहीं कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, राजा कैन स्विम, फर्स्ट सेंटेंस लिखा हमने राजा कैन स्विम बट कांट साइकिल, राजा को हटा दिया क्योंकि हमने एक बार राजा यूज कर लिया है, तो दूसरी बार फिर से हम राजा का यूज नहीं करेंगे और बट का यूज कर देंगे। तो राजा कैन स्विम बट, दूसरी बार राजा का यूज नहीं होगा, बल्कि क्या बचा है सेंटेंस में, कांट साइकिल, कांट साइकिल ऐसा ही लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, राजा कैन स्विम बट कांट साइकिल, राजा तैर सकता है लेकिन साइकिल नहीं चला सकता है। अब यहाँ पर जो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम इन्हें करेंगे। सो फर्स्ट इज अनीता लव्स काइट्स, अनीता को पतंग पसंद है। शी कांट फ्लाई देम, वह उन्हें उड़ा नहीं सकती हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस ऐसा ही लिख देंगे, अनीता लव्स काइट्स, फर्स्ट सेंटेंस लिख दिया। फिर यूज करना है बट, शी किसके लिए आया है, अनीता के लिए, तो शी को हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने आगे अनीता लगा दिया है। कांट फ्लाई देम हम इसे लिख देंगे। ओके, सेकेंड, निशा कैन सी द टाइगर, निशा टाइगर देख सकती है। शी कांट सी द लोयन, वह लोयन नहीं देख सकती है। इसके लिए सबसे पहले फिर से फर्स्ट सेंटेंस पूरा इसी तरह से लिख देना है, निशा कैन सी द टाइगर। फिर बट हमें यूज करना है, बट क्या है, कंजक्शन है क्योंकि दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं। बट फिर से शी निशा के लिए आया है, तो शी हमें नहीं लगाना है। शी के बाद में क्या बचा है, कांट सी द लोयन, तो हमें वही लिखना है, कांट सी द लोयन। निशा कैन सी द टाइगर बट कांट सी द लोयन, निशा टाइगर देख सकती है लेकिन लोयन नहीं देख सकती है।